सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आसोबे का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्टिव्स पे। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आप कंफ्यूज हैं कि करियर किस लाइन में बनाएं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हैं, कॉमर्स लाइन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी मिल जाएगी। कॉमर्स के बाद आपके पास करियर के कौन कौन से ऑप्शन जैसे ऐसे होते हैं और कहाँ कहाँ आप अपना करियर जो है कैसे बना सकते हैं कॉमर्स के बाद। तो दोस्तों, अब काफ़ी सारे छात्र हैं या फिर स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो जो अपना करियर जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसका जो है ना बिजनेस होता है, एक तरह से इसका जो मतलब होता है ना वो बिजनेस ही होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बिजनेस के अंदर है ना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल, बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कॉमर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आपको जो है 11th वगैरह करते हैं आप, आगे 11वीं वगैरह करते हैं, तो 11वीं के अंदर आपको जो है कॉमर्स ही सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना होता है। कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट वगैरह आपकी बात करें तो दोस्तों अकाउंटिंग पढ़ना होगा आपको, बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, आयकर पढ़ना होगा, वृत्ति कर पढ़ना होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके वाली आपको क्या है कि 11th और 12th के अंदर आपको कॉमर्स में ही स्टडी आपको करनी होती है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक भाई आपका करियर रुक ही जाता है, इसके अलावा इसके बाद भी आपका करियर जो है आगे चलता रहता है। तो इसके अलावा आगे की बात कर लेते हैं कि आप अगर मान लीजिए आपने 12th कर भी ली कॉमर्स के अंदर, तो दोस्तों इसके बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन रह जाते हैं जो आप आगे जाके कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप बीकॉम वगैरह कर सकते हैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, फिर बीकॉम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों बीकॉम आप टैक्स डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, या फिर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बीकॉम की। अब बीकॉम के अंदर क्या होता है कि ये बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये आपको पता ही होगा, जो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है जो कि आप एक तरह से 3 साल की होती है। आप जैसे ही आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आपका 3 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं वैसे ही आपकी डिग्री वगैरह भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, इसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे ही आप बीकॉम कर लेते हैं तो दोस्तों अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आप आराम से कोई भी एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसके अंदर आप भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर बीकॉम। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर बीकॉम की क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन वगैरह के अंदर है ना जो भी अकाउंटिंग का होता है, या फिर दोस्तों कुछ कंप्यूटर से जुड़ी आपको ऐसी नॉलेज दी जाती है जो कि आपको काम में आने वाली है, आगे बिजनेस के तौर पे काम में आने वाली है, तो वैसी जानकारी आप आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आराम से जॉब वगैरह इसके अंदर भी मिल जाती हैं। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं कि आपका टैक्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बीकॉम कर सकते हैं टैक्स के अंदर। अब टैक्स के अंदर क्या होता है कि ये तरह तरह के अलग अलग टैक्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, या फिर प्रोफेशनल टैक्स हो गया, या फिर दोस्तों अलग अलग तरह के जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं उनकी जानकारी ना आपको ना इसके अंदर पूरी दे दी जाती है, और आप इंफॉर्मेशन आपके अंदर इतनी कूट कूट के भर दी जाती है कि आपको पूरा नॉलेज हो जाता है टैक्स से रिलेटेड कामों के लिए। तो दोस्तों आप टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी है वैकेंसी वगैरह निकलती है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना आपके पास ये ऑप्शन भी हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारी ऐसी 12th के बाद ऐसी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, या फिर दोस्तों पोस्ट वगैरह निकाली जाती है, जैसे 12वीं के बाद आप करता अगर आपने कॉमर्स में कर ली उसके बाद दोस्तों आप SSC वगैरह होती हैं, ठीक है, उसका आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, आप सेना में भी जा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा रेलवे के अंदर आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम वगैरह निकलते हैं, तो दोस्तों उनमें आप तैयारी करके आप बढ़िया तरह से उनमें एंट्री आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर करना नहीं चाहते हैं, आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप प्राइवेट वगैरह करना चाहते हैं, तो दोस्तों इनमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। आप डिप्लोमा वगैरह भी अलग तरह के होते हैं, 12th के बाद आप कॉमर्स के बाद आप डिप्लोमा वगैरह जैसे कर सकते हैं, जैसे ITI हो गया वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों कुछ अन्य तरह के डिप्लोमा वगैरह होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े डिप्लोमा होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका करियर वहीं रुक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, मतलब कॉमर्स लेने के बाद आपका ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ठीक है मैं पछता रहा हूँ, कुछ अलग कर लिया मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स के अंदर लाइन आगे चलना चाहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर चलना चाहते हैं, तो आप आगे अकाउंटिंग के अंदर बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, बीकॉम टैक्स के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों थोड़ा सा साइड होना चाहते हैं और आप थोड़ा सा हटके करना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद SSC का एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, रेलवे का एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वगैरह ITI वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अलग तरह के डिप्लोमा वो भी कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा मतलब आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि आप जॉब वगैरह की बात कर लेते हैं इसकी, कि जॉब वगैरह कैसी रहती है इसके अंदर। अब इसके अंदर जॉब वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और थोड़ा सा क्या है कि आपको नॉलेज वगैरह भी काफ़ी हो जाती है। अगर आप 11th और 12th में अंदर पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो आपके पास है ना अकाउंट की इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको अकाउंट के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर है ना आप आराम से है ना 12वीं करने के बाद भी आप अकाउंट के अंदर किसी के अंदर में काम वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप काम वगैरह सीख कर भी काम कर सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी सारा नॉलेज हो जाता है आपके पास अकाउंट से रिलेटेड। और इसके अलावा भी आपके पास अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आप अगर
थोड़ा सा हटके करना चाहते हैं, आप अगर जहाँ जाते हैं कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई ऐसे फैशन डिजाइनिंग है या फिर कुछ भी ऐसे अलग अलग तरह के डिप्लोमा या डिग्री चल रही है तो उनमें जाना चाहते हैं तो उनमें भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं आपको कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आपने यही करना है यही करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप अलग अलग तरह के कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना आप 10th के बाद कॉमर्स लेकर है ना अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं और अलग अलग तरह से अपना करियर जो है बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।